जी, हमें बहुत एक अच्छे कर्मठ साथी मिले हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आप जो है आपका टिकट बदला गया है सर, कैसे देखते हैं क्या करें? जी आपका टिकट बदला गया रामनगर से। पार्टी की आज्ञा को सिरोधार्य करना हमारा कर्तव्य है और मैंने वो कर्तव्य पूरा किया। किशोर उपाध्याय ने जो है, और मैं अब लालकुआ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और रामनगर के भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे साथ अपनी आकांक्षाएं जोड़ी, उसके लिए मैं हमेशा रामनगर का कृतज्ञ रहूंगा और रामनगर के विकास के लिए जो मैंने सपने देखे अपने गुरुस्थान के विकास के लिए, उसको मैं हमेशा आगे रख करके उनको पूरा करने का। किशोर उपाध्याय ने आज कांग्रेस छोड़ी है, मुझे बहुत दुख है कि उनका इस तरीके का पतन देख करके मैं बहुत आहत। अब खामियाजा भुगते की बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने वहाँ 20 साल से पार्टी खड़ी की है और आज सिटिंग एमएलए होने के बाद, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम करने के बाद, यदि पैसे से मेरा टिकट बेचा जाएगा तो निश्चित रूप जनता के साथ अन्याय है और उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। 10 करोड़ रुपये किशोर उपाध्याय ने जो है पैसा देकर बीजेपी का टिकट, मेरा टिकट कटवाया है और निश्चित रूप से जनता में इस बात की चर्चा है। मैं जनता के बीच जाकर टीजी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में इसका बहुत लोगों में आक्रोश है। कैडर कार्यकर्ता जो है बहुत आहत और व्यथित है और निश्चित उसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कैडर कार्यकर्ता भी तो तभी तक थे जब तक आप बीजेपी में थे। नहीं, भावनाएं आहत होती हैं, आदमी काम करने का मन होता है और इस रूप से जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को तोड़ोगे तो उनका नुकसान तो होगा ही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ता अब आपके साथ कांग्रेस में आ जाएंगे? निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है और वो हमारा साथ देगा, हमको वोट भी दिलाएगा और वोट भी देगा। थैंक यू दादा।